हेलो एवरीवन। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। इससे पहले मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से हमारी जो वीडियोस हैं कंटिन्यूसली आना बंद हो गई थी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो हमारी जो वीडियोस हैं अब कंटिन्यूसली रहेगी। बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हैंड स्टैंड, जो कि बिगनर्स के लिए है। इसके अंदर हम डिटेल में हैंड स्टैंड के बारे में जानेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगली वीडियो में हम हैंड स्टैंड होल्ड करना सीखेंगे, हैंड स्टैंड को होल्ड कैसे किया जाता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंच जाए। जो आज की वीडियो है बिगनर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ही, साथ ही एडवांस लेवल वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि जो हमारी ये एक्सरसाइजेज हैं इनको कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। ये हमारी एक्सरसाइजेज हमारे हैंड स्टैंड को और स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगी। और जो आप हैंड स्टैंड में वेरिएशंस करना चाहते हैं, वन हैंड स्टैंड करना चाहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी एक्सरसाइजेस। तो वीडियो को और लंबा न कीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, आपको कुछ इस तरह से एक बेंच लेना है। आपके घर में चेयर होगी तो आप चेयर को यूज़ कर सकते हैं, स्टूल होगा तो स्टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़मीन पर हाथ रखने हैं और अपने दोनों पैरों को चेयर के ऊपर रख लेना है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अपनी जो कमर को नीचे की तरफ प्रेस करना है थोड़ा सा, ताकि जो आपकी कमर है बिल्कुल एक लाइन में सीधी रहे। आपके हिप्स, आपके लेग और आपकी जो स्पाइन बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए, इस तरीके से। इसके बाद अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने हिप को उठाना है ऊपर की तरफ, इस तरह से, और अपने पंजों को देखने की कोशिश करनी। वापस इस पोजीशन में आना है, देन अगेन गर्दन अंदर और हिप ऊपर। ध्यान रखें कि आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, घुटनों आपके जो नी जॉइंट है आपका, वहाँ कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। सिर्फ आपको आपका जो पेल्विक बोन है सिर्फ उसको रेज करना है, और डाउन रेज, गर्दन देखिए आप अंदर की तरफ रहेगी और साथ में कान जो है आपके हाथों के साथ में सटे हुए रहेंगे। उसके बाद वापस ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। जो हैंड स्टैंड करना चाहते हैं इस तरह से उनको स्टार्ट करना है हैंड स्टैंड। इसके बाद हमारी सेकंड जो एक्सरसाइज है सेम कुछ इस तरह से है, लेकिन हमारे हैंड्स की और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने के लिए अब हम थोड़ी सी हैंड्स की वॉक करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी बताया मैंने, इस पुशअप पोजीशन में आ जाना है, दोनों पैरों को चेयर पर रख लेने हैं और अपने बटक्स को नीचे की तरफ पुश कर देना, इस तरीके से। आपकी जो स्पाइन है इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, आपकी कमर सीधी रहेगी। उसके बाद आपको हैंड से वॉक करते हुए पीछे की तरफ आना है अपने पैरों की तरफ, और हिप को उठा के रखना है, देखिए इस तरह से, हिप ऊपर और हाथों से वॉक करते हुए पंजों की तरफ बढ़ना है। उसके बाद वापस उसी पोजिशन में चले जाना है, दोबारा से इसी को, और उसके बाद दोबारा से। ये जो दोनों एक्सरसाइज हैं आपकी जो डेल्टॉइड मसल है, यानी आपके जो कंधों की मांसपेशी जो है उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जो कि हैंड स्टैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसल होती है हमारी शोल्डर मसल, जो कि आपके हैंड स्टैंड को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इन एक्सरसाइजेस को कम से कम 10 रैप्स 3 टाइम्स करना है, मतलब 10 टाइम्स किया, थोड़ा सा 10 सेकंड रिलैक्स ले लो, उसके बाद दोबारा 10 टाइम्स करो, फिर दोबारा से 10 सेकंड रिलैक्स, फिर दोबारा से 10 टाइम्स करना है अप एंड डाउन, उसके बाद 10 सेकंड रिलैक्स, फिर एक्सरसाइज चेंज करनी है, सेकेंड करनी है। सेम इसी तरीके से जितने भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे उनके 10 रैप्स करने हैं और 3 सेट करने हैं।
ये सभी एक्सरसाइज जो है आपके शोल्डर की और कोर की आपकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करेगी। अब कमर को सीधा रखना है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, देखो कमर जो है हमारी हैंड स्टैंड में सबसे ज़्यादा ब्रेक होती है, हमारे जो कमर में आर्च बहुत जल्दी आ जाता है हैंड स्टैंड जब भी करते हैं, तो उसके लिए क्या है अपनी जो पेट की मांसपेशी है, जो कोर मसल्स हैं आपकी, ठीक है, इसको स्क्वीज करके टाइट करके रखना है। जैसे ही आप अभी पुशअप पोजिशन लिया आपने, तो उस दौरान आपकी जो पेट की मसल्स हैं इसको स्क्वीज करके रखें। अब हम बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, अब हमने दोनों एक्सरसाइज कर ली है, इसके बाद हम इसके अंदर ही थर्ड इन्वॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ये हो गया हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पुशअप पोजिशन, है ना। उसके बाद ये हमारी होगी सेकेंड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज में हमको लेग को रेस करना है, ये स्विच करेंगे, ये अगेन स्विच करेंगे लाइक दिस, अगेन स्विच करेंगे दिस, वापस आ जाए, हैंड्स को वापस ले जाए और पोजीशन में आ जाए वापस। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है। इसमें ध्यान रखना है आपको, जो जितने ही आपके लेग उठते हैं उतने ही आपको पैरों को उठाना है पीछे से, ओवर ट्राई ना करें, एक दिन में आपसे हैंड से नहीं होगा, ये आपको समझना है कि ओवर स्ट्रेच करोगे, अगर ओवर स्विंग करोगे आप तो आप फॉल हो सकते हो, पीछे की तरफ गिर सकते हो, इससे आपकी बैक में भी आर्च आएगा, तो जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जितना आपसे लैग उठता है उतना ही उठाएं और वहीं पर रोकने की कोशिश करें। 3 सेकंड के बाद आपको लैग स्विच करना है। देखिए मैंने अभी बताया आपको इस पोजीशन में आगे, अगर आप ओवर करोगे देखिए कमर में आर्च आ जाएगा, हिप में क्रैम्प आ सकते हैं, ठीक है। तो जितना इतना उठता है तो इतना ही उठाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे उसका रेंज ऑफ मोशन हम बढ़ाएंगे। उसके बाद लेग स्विच करना है। जैसे ही आप लेग उठाते हो ध्यान रखें आपके घुटने जो हैं और पॉइंट जो टो है आपका बिल्कुल पॉइंट रहना चाहिए, ध्यान कर साइड में ना उठाएं पैर, बिल्कुल सीधा रेज करें इस तरीके से। उसके बाद लेग स्विच और गर्दन आपकी जो है हाथों के बिल्कुल साथ में रहनी चाहिए और हाथों के बीच में हमेशा देखना है। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है। अगर आप इतना कर लेते हो, देखिए पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हैंड स्टैंड करने के लिए, जितना अगर आप में अच्छा पेशेंस है तो आप हैंड स्टैंड काफ़ी अच्छा सीख सकते हो, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो खामखा कोई ना कोई इंजरी हो जाएगी, ठीक है। इंजरी को अवॉइड करना है, पेशेंस रखिए, हैंड स्टैंड आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। देखिए अभी हमने 3 एक्सरसाइजेस करी हमने, ठीक है, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड थी, इसी तरह से हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो भी आप इंटर रिलेटेड है हमारी तीनों एक्सरसाइजेस के। इसमें क्या करना है आपको, आपको थर्ड पोजीशन पे जाना है, लेग रेस करना है और आपको जो लेफ्ट लेग है, जो भी बेंच के ऊपर लेग रखा हुआ है उससे हल्का सा पुश करें, पुश कर बिल्कुल थोड़ा सा, स्लो स्लो बिल्कुल थोड़ा सा बस, और इसी तरह से वापस आ जाए, इस तरह से बिल्कुल माइनर सा पुश करना है, अगर ज़्यादा पुश करोगे आप पीछे फॉल हो जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल स्लो बिल्कुल थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज, जो कि हम एक वॉल की या फिर एक पेड़ की हेल्प से करनी है हमें। अगर आप घर में हो तो वॉल यूज़ कर सकते हो, पार्क में हो तो पेड़ यूज़ कर सकते हो, या कोई कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरह का सरफेस रहना चाहिए, मतलब एक वर्टिकल सरफेस रहना चाहिए, ठीक है, जो कि हैंड स्टैंड करने में आपको थोड़ा सपोर्ट करे। मेरे पास जैसे कि ये पेड़ है तो मैं पेड़ को यूज़ करूँगा अभी। जब आप ये चारों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो तब उसके बाद आपको वॉल पर आना है, ठीक है। अब वॉल की हेल्प से हम करेंगे।
तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी, सिंपल लेग को रखना है, पुशअप पोजीशन में होल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से हैंड्स को रख लेना है, जो लेग आप स्विंग करते हो उसको पीछे रखना है और जिस लेग से आप पुश करते हो उसको आगे रखना है। एक्चुअली अभी आपको पता नहीं होगा कि पुश किससे करना है, तो जैसे कि अब मैंने फोर स्टेप बताया था वो पुश करने के लिए ही बताया था आपको, ठीक है। अगर आप लेफ्ट से इजीली पुश कर पाते हो तो हमेशा लेफ्ट से करना है, अगर आप राइट से इजीली पुश कर पाते हो तो राइट से करना है। तो फोर स्टेप में आपको समझना है कि किस लेग से आपका पुश होगा, ठीक है। उसके बाद अपने राइट लेग को रखें बॉल पर और लेफ्ट लेग को रखें और कमर को बिल्कुल सीधा करें। ये यहाँ होल्ड अच्छे से हो जाता है तो धीरे धीरे अपने पैरों से और हैंड से वॉक करते हुए पेड़ की तरफ जाएं, इस तरीके से। देखिए कमर को सीधा रखना है, अगर कमर ब्रेक करते हो तो आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है ये, और जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाना है। ये देखिए इसके बाद आपका जो फाइनल स्टेप है, फाइनली आपको किस तरह से करना है, पूरा प्रॉपर जो बॉल है आपको हैंड से वॉक करते हुए बॉल के साथ में आपको चिपक जाना है बिल्कुल। उसके बाद ग्रिप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ग्रिप को बना के रखना है ज़मीन पर, जितनी अच्छी आपकी ग्रिप होगी उतना अच्छा आपका हैंड स्टैंड होगा। तो देखिए इस तरह से आपको हैंड्स को वॉक और पीछे हाथ में लेग से भी वॉक करते जाना है। उसके बाद आपने पंजों को, सिर्फ ओनली पंजा, पूरा पैर नहीं हिलाना, इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ पंजे को पॉइंट कर दे हवा में। देखिए मैंने सिर्फ पंजे को पॉइंट किया है, पूरे पैर को नहीं हिलाना, पीछे फॉल हो जाओगे, सिर्फ पंजे को लेग चेंज करें और पंजे को आपको पॉइंट कर देना है इस तरह से। उसके बाद अपने दोनों पैरों को पॉइंट करने, बैलेंस करने की कोशिश करें, वापस आ जाए, साइड में भी आ सकते हैं इस तरह से वापस। तो ये था हैंडस्टैंड बिगनर्स के लिए, जिन्होंने कभी भी हैंडस्टैंड ट्राई नहीं किया, थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी आपका फीडबैक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है हैंडस्टैंड सीखने में वो मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हैंडस्टैंड को होल्ड कैसे करना है, ठीक है, हैंडस्टैंड रोकना कैसे है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे इसी तरह के आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन स्क्रीन तक पहुंच जाए।